आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग में निकाली गई जन जागरूकता साइकिल रैली। इस रैली में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी की जयंती और आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रविवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट से जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि लोगों को आयुष्मान योजना के प्रति जागरूक करने व इसका लाभ उठाने के उद्देश्य को लेकर ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के दुर्ग जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर आर के खंडेलवाल ने रैली का शुभारंभ कर बताया कि जिले के आधे से अधिक निजी चिकित्सालय आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत हैं और ये योजना लोगों के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो रही है। प्राइवेट अस्पताल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्राइवेट अस्पताल भी इस योजना से जुड़े और हमारे यहाँ लगभग अभी 100 के आसपास प्राइवेट अस्पताल हैं जिसमें आधे से अधिक जो हैं अस्पताल इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जो गंभीर बीमारियां होती है, साधारण बीमारियां सर्दी खांसी बुखार तो ठीक है, लेकिन जो गंभीर बीमारी, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, किडनी की बीमारी है, उसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और डायलिसिस हमेशा करवाना पड़ता है, तो उनको ऐसे मरीज जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो किडनी से संबंधित बीमारी हो, चाहे वो लीवर से संबंधित बीमारी हो या अन्य हड्डी, पेट, ब्रेन, किसी भी प्रकार की बीमारी हो जिसमें इलाज लंबा चलता है, उनको हफ्ता 15 दिन भर्ती रहना पड़ता है, कई प्रकार की जांच की आवश्यकता होती है, इन सब बीमारियों का जब आयुष्मान भारत में पूरा लिस्ट है सभी बीमारियों की, जिस बीमारी में वो भर्ती होता है उस बीमारी के हिसाब से उसका भर्ती का जो भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत नॉर्म्स है उसके हिसाब से उसमें पैसा कटता है, बहुत कम कटता है। वहीं इस रैली में शामिल बच्चों ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि जो गरीब व्यक्ति महंगा इलाज नहीं करा सकते थे, अब इस योजना से उन्हें काफी राहत मिल रही है। नमस्ते, मेरा नाम डिकेश्वरी निर्मलकर है। आज इस रैली को 2 अक्टूबर के दिन आयुष्मान भारत कार्ड के लिए निकाला जा रहा है, जिससे हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वह चाहते थे कि सभी लोगों को, सभी आम नागरिकों को जो है वो अंतिम समय तक उनको पूरा लाभ मिल सके, सभी सुविधा मिल सके, इसीलिए आयुष्मान कार्ड का आयुष्मान भारत का आयोजन किया गया है। यदि यह कार्ड सबके पास वो होंगे तो वह अपना उपचार आसानी से करा पाएंगे और अपना पूरा अधिकार इस कार्ड के माध्यम से ले पाएंगे। तो इस रैली का मुख्य उद्देश्य है सभी आम लोगों के लिए जागरूक, अभी सभी आम लोगों को जागरूक करना कि वो इस कार्ड को बनाएं। आयुष्मान भारत के तहत हम लोग रैली निकाल रहे हैं जिसमें सभी का वो आयुष्मान कार्ड का उसमें इलाज हो सके सभी का। बहुत कोई भी व्यक्ति बहुत गरीब रहते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता, उनको जागरूक करना है, इसलिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल भी ये सब वो लागू नहीं है, इसलिए उसके तहत निकाल रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।